अभिलाख नगर के सैकड़ों रहवासियों के विकास की लड़ाई वर्षों से जारी है। समाज सेवक अरविंद दुबे ने एक बार फिर स्थानीय रहवासियों के समर्थन में आगे आए। वहीं मनपा अधिकारियों की मिली भगत से स्थानीय नेताओं के इशारों पर खुलेआम भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। आज का जो कॉर्नर पे जगह है 858 पे 96 में सबमिशन हुआ, दो बिल्डिंग बनी, रिवर का लैंड एनक्रोच हुआ और उसके बाद बिल्डर ने FSI जो है जगह का वो ट्रांसफ़र किया। ट्रांसफ़र करने के बाद लिखा कि मुझे यहाँ इंटरेस्ट नहीं है बिल्डिंग बनाने का और उसने FSI ट्रांसफ़र कर लिया दूसरी जगह। उसके बाद जब ये ब्रिज बना तो ब्रिज बनने के बाद जब उनको बेनिफिट नज़र आने लगा यहाँ, तो एक तो रिवर एनक्रोच पहले से किया हुआ था जिसमें 10 मीटर का रिवर है पिछले प्लान में जब इसको SWD ने रिमार्क दिया था, लेकिन SWD डिपार्टमेंट इसको छुपाने के लिए ढेर सारे फाइलों में चेंज किया है जिससे साफ जाहिर होता है कि वो इस 10 मीटर का जो उनका रिमार्क था पिछला जिसमें उनको बना के वाल देना था, ना तो उन्होंने वाल बना के दिया, बाद में BMC ने वाल बनाया और फिर उन्होंने लेटर लिखा कि मैं प्रपोर्शनेट रिकवर कर लूँगा। दूसरा जो 20,000 की बस्ती से जोड़ने वाला ब्रिज था वो ब्रिज भी दोनों डिपार्टमेंट ने, मैंने RTI करके पूछा तो SWD और BMC दोनों ये बोलते हैं कि मेरे को मालूम नहीं कि वो ब्रिज जो था एक्चुअल लोखन का वो कहाँ गया। तो इस पर ढेर सारे, और हमने जब 858 का वहाँ से निकाला, दो बिल्डिंगें खड़ी हैं, नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लोग रूम तोड़े जा रहे हैं, इवन लोगों से कंसर्न, मतलब जो रास्ता था जिनका BMC का नोटिस था इसका मतलब वो रोड में थे, बिल्डिंग को बेनिफिट पहुंचाने के लिए उनसे वापस लिया गया होगा कंसेंट। अब खैर वो मैटर नहीं है, उन्होंने लिया था कंसेंट, अगर दिया होगा तो अच्छी बात है। लेकिन जो दोबारा प्लान यहाँ सबमिट किया गया दोबारा से एक बार FSI लेने के लिए, एक जिसमें बहुत ज़्यादा सस्पिशन एराइज होता है और इसीलिए हमने हर डिपार्टमेंट से पूछा तो सबसे पहले सब डिपार्टमेंट ने इनकार किया, बाकी पेपर आने के बाद अभी सब एक्सेप्ट कर रहे हैं। लोकायुक्त में कल इसकी हियरिंग वापस है और देखो क्या होता है, उनके सामने हमें सारी बातें रखेंगे और क्या जवाब आता है और डिपार्टमेंट का कितना इन्वॉल्वमेंट है ये भी सामने आ जाए। थैंक यू।